पूरे भारतवर्ष की बात करें तो क्रिकेट जो है भारतवासियों की सर पर चढ़कर बोलता है। अभी कुछ दिन पहले तक आईपीएल चल रहा था, तो लोगों के घरों में शाम के समय में हर घर पर मैं समझता हूं कि आईपीएल ज़रूर देखा जाता था। क्रिकेट के बाद अगर बात करें तो कबड्डी भी तमाम भारतवासियों का एक काफ़ी दिल से जुड़ा हुआ खेल है, जिसमें नॉर्थ इंडिया का एक खासा अहम योगदान रहा है। पंजाब और हरियाणा की बात करें तो इन दोनों ही राज्यों ने पिछले कई सालों से हमारे भारत को कई ऐसे धुरंधर दिए हैं जिन्होंने भारत ही नहीं पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। जिस तरीके से क्रिकेट में आईपीएल करवाया जाता है, उसी तर्ज पर अब भारत में पिछले कुछ वर्षों से कबड्डी में वीवो प्रो कबड्डी भी करवाया जा रहा है, जिसमें इस बार जम्मू कश्मीर से दो युवाओं का चयन किया गया है। उसमें से एक युवा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, लगभग 19 वर्षीय राजन सिंह। इनसे सीधी बातचीत करते हैं और जानते हैं किस तरीके से इन्होंने कबड्डी को जो है अपना पेशा बनाया और कहां तक ये कबड्डी को आगे लेकर जाना चाहते हैं। राजन जी, सबसे पहले तो आपका जेके टाइम्स में स्वागत है। थैंक यू भैया। सबसे पहले राजन, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कबड्डी आपने कब से शुरू की और क्या आप इसकी कोई प्रोफेशनल कोचिंग वगैरह करते हैं? सर, कबड्डी मैंने कोई 5-6 साल पहले शुरू की थी जी। तो मैं एमए स्टडी में प्रैक्टिस करता हूँ, कोच साहब अनिल कोच साहब के साथ और अजय कोच साहब हैं, वो हमें प्रैक्टिस कराते हैं। तो लगभग 5-6 साल हो गए हैं हमें कबड्डी खेलते हुए भी। एक चीज़ जानना चाहूँगा, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अगर हम पेरेंट्स की बात करें तो प्रोफेशन की जब बात आती है, कुछ पेरेंट्स डॉक्टर बनाना चाहते हैं, टीचर बनाना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को खेलों में प्रोफेशन बनाने के लिए आगे प्रोत्साहित करते हैं या उनको उस तरफ जाने देते हैं। तो आपके परिवार से किस तरीके से आपको सपोर्ट मिला है इसके लिए? भैया, पहले तो मेरे पेरेंट्स का मेरे इसलिए बहुत ज़्यादा पीछे सपोर्ट किया, वो उन्होंने मेरे को अभी भी करते हैं। जब से स्टार्ट किया था तब से वो कहते हैं कि खेल भी पढ़ाई भी कर, पर साथ साथ में पढ़ाई भी ज़रूरी है, पर स्पोर्ट्स को मैंने एक हिसाब से अच्छा वो किया था। पढ़ाई भी चल रही थी, अभी भी चलती है पढ़ाई, बीटेक कर रहा हूँ मैं जी। और क्या बोलते हैं, स्पोर्ट तो घर वालों का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक घर वालों का सपोर्ट नहीं रहेगा तब तक तो कुछ नहीं कुछ हो सकता, क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन को लिए बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत प्रैक्टिस भी करनी है, डाइट भी पूरी करनी है, सब कुछ करना पड़ता है। उसके लिए घर वालों का बहुत हाथ पीछे चाहिए। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि प्रोफेशनल कोचिंग भी चाहिए, डाइट भी चाहिए, एक रूरल एरिया से उठ के भारत को रिप्रेजेंट करना है कितने बड़े प्लेटफॉर्म में, किस तरीके से लग रहा है ये सपना? सर, एक सपने की तरह ही है। हम भी देखते थे कि हमारे जो आइडल हैं दीपक हुड्डा, प्रदीप नरवाल, अजय ठाकुर, वो वीवो प्रो कबड्डी में खेलते हैं। हम भी सोचते हैं कि कभी हम उनके साथ खेल सकें। अच्छा, वो माता वैष्णो देवी और क्या बोलते हैं, माता वैष्णो देवी का सर पे हाथ है, तो अभी शायद हम उनके साथ भी खेलेंगे, उनके साथ खेलेंगे। कितना किस तरीके का सफ़र रहा, क्योंकि एक गांव से उठ के एमए स्टेडियम में पहुंचना, खर्चा भी काफ़ी होता है, ऐसा नहीं है कि अब स्पोर्ट्स इतने सस्ते रह चुके हैं, किस तरीके से ये सब हुआ? सर, हुआ तो बहुत कुछ टफ है, पर बहुत कुछ देखा है अभी, पर अब थोड़ा है, अच्छा स्पोर्ट चल रहा है तो अभी चलेगा, थोड़ा आगे तो अच्छा रहेगा। आपसे ये जानना चाहूँगा कि वीवो प्रो कबड्डी की बात करें तो हर वर्ष जो है इसका आयोजन किया जाता है, पूरे भारतवर्ष से टॉप मोस्ट प्लेयर इसमें खेलते हैं, तो क्या आपकी इसकी इसमें सिलेक्शन कब हुई और ट्रेनिंग कब होने जा रही है और कब इस वर्ष का जो है वीवो प्रो कबड्डी शुरू होने जा रहा है? भैया, अभी तो क्या बोलते हैं, हम किए थे 47 जूनियर नेशनल, उससे पहले मैं 46 जूनियर नेशनल भी खेल के आया हूँ, अभी 47 जूनियर नेशनल गया था, इसका मैं कैप्टन था अपनी जेएंडके की टीम का। ओके, तो इधर से हम नेशनल खेल के, हमारी टीम का अच्छा परफॉर्मेंस थी, हमने मैचेस वगैरह भी जीते थे। तो जब उसके बाद आए थे तो हमें NYP का फ़ोन आया, कॉल आई स्टार स्पोर्ट्स से कि हमारी NYP में सिलेक्शन हो गया है। और फिर उसके बाद अपने सेक्रेटरी साहब सुरेंद्र मोहन गुप्ता सर और एक और सेक्रेटरी हैं अपने कुलदीप गुप्ता सर, प्रेसिडेंट अनिल गुप्ता सर, फिर सर ने मेरे को फ़ोन किया था कि आपकी भी सिलेक्शन हुई है तो आपको बैंगलोर जाना है, तो आपको जब कॉल आएगी उनकी स्टार स्पोर्ट्स वालों की तो आप चले जाना। फिर हम बैंगलोर गए थे, कोई 10 दिन का कैंप लगा था, पर कोविड की वजह से उन्होंने अभी वापस भेज दिया घर, तो फिर अभी ऑनलाइन ही चल रहा है, अभी भी चल रहा है कैंप। अच्छा, हाँ जी। तो फिर परसों ही लिस्ट आई थी ऑक्शन के लिए नाम की, तो हमारा नाम आया हुआ है। बिल्कुल दर्शकों, तो आप देख सकते हैं, अगर दिल में किसी चीज़ को ठाना हो तो कोई भी सपना जो है वो अधूरा नहीं रह सकता। अखनूर सब डिवीज़न की बात करें तो उससे आगे बॉर्डर के इलाके खोड़ के दानपुर के रहने वाले राजन सिंह मन्हास एक गाँव से उठकर आने वाले दिनों में अपने माता पिता का और भारत का नाम जो है वो रोशन करने जा रहे हैं। राजन, आपसे जानना चाहूँगा, कई युवा आपके साथ भी होते हैं, घर वालों का बहुत प्रेशर रहता है पढ़ाई की तरफ, किस तरीके से पढ़ाई और स्पोर्ट्स को आपने आगे बढ़ाया?
सर सुबह कॉलेज जी, तो वहाँ से आना पठानकोट से। अच्छा, तो मेरा कॉलेज पठान से लखनपुर से थोड़ा सा आगे माधोपुरा, उधर मेरा कॉलेज है जी। सर कभी कभी तो उधर रहना भी पड़ता था, पर एडजस्ट कर लेता है कि अभी जैसे 12 बजे क्लास ख़त्म होगी, 1 बजे क्लास ख़त्म होगी, तो 1 बजे वहाँ से निकलना है, अपना 4 बजे स्टेडियम पहुँचना है, रेगुलर प्रैक्टिस भी करनी है, मैचेस वगैरह जब आ रहे हैं तब फिर कॉलेज छुट्टी ड्रॉप भी करना पड़ता है, फिर कभी किसी दिन रात को पूरी दिन पढ़ना पड़ता है, नींद भी नहीं अच्छी पूरी होती है कि पेपर भी देना अभी आगे का, मैच भी खेलना है, तो उस हिसाब से दोनों कुछ एडजस्ट करना पड़ रहा था। तो अभी चलो, कितनी टफ ट्रेनिंग रहती है इस प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए? सर ट्रेनिंग तो स्पोर्ट्स में के लिए आपको पता ही है बहुत टफ चाहिए, क्योंकि अगर जब तक हमारी, पहले नंबर तो हमें फिटनेस चाहिए, फिटनेस एक हाई लेवल की फिटनेस चाहिए, क्योंकि जो अभी प्लेयर्स आ रहे हैं, कबड्डी एक एडवांस गेम हो चुकी है, इसमें प्लेयर मैक्सिमम, पहले तो फिटनेस चाहिए इतनी, एक लेवल हाई लेवल की फिटनेस चाहिए, क्योंकि अभी प्लेयर के एज के वगैरह भी सिस्टम होता है, जैसे बड़े अब बिल्कुल स्टैमिना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, 40 मिनट का मैच होता है, दो दो हाफ 20-20 मिनट के होते हैं, कि उसमें मैट पे खेलना इतना आसान नहीं है जितना लोग सोचते हैं कि मैट पे खेल सकते हैं, जो मैट पे खेलता है उसको पता है कि कितना टफ की मैच हो रहा है, 40 मिनट का मैच है और आसान नहीं रहता, पर प्रैक्टिस से हो सकता है। सर क्या प्रैक्टिस की क्या रूटीन रहती है, क्योंकि आपको देखकर तमाम युवा जो हैं कबड्डी में वो भी अपना जो है किस्मत आजमाना चाहेंगे, तो थोड़ा सा उनके लिए एक बार क्लियर कर दें कि किस तरीके से आप अपनी फिटनेस के लिए रूटीन क्या है आपकी, या प्रैक्टिस रूटीन क्या है? भैया मैं पहले सुबह उठता हूँ 5 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे, यही टाइमिंग रहती है, जैसा मौसम है उसी हिसाब से उठना है, तो फिर जाना अपना रनिंग करनी है, फिटनेस करनी है, वर्कआउट करना है, अगर जिम जाना है तो जिम भी जाना है, तो फिर उसके बाद दिन को कॉलेज वगैरह जाना है, फिर शाम को फिर से अपने 3 बजे स्टेडियम के लिए ही चले जाना है, स्टेडियम जाना है, उधर प्रैक्टिस करनी है, शाम तो 8-9 बजे तक वहाँ से आना फिर घर। लगभग कितने घंटे रोज़ की प्रैक्टिस करते हैं? सर 8-9 घंटे तो हो ही जाते हैं सुबह और शाम का। रोज़ के 8-9 घंटे अगर हमको इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर पहुँचना है तो एक कड़ी मेहनत और मशक्क़त लगती है इसमें। राजन, डाइट का आपने ज़िक्र किया, आजकल के युवा हम देखते हैं बॉडी बिल्डिंग का शौक़ है, फिटनेस का शौक़ है, लेकिन उसके लिए मॉडर्न टेक्निक, स्टेरॉइड्स की बात करें या इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है डाइट के लिए। सिंस आप एक गांव से आते हैं, दूध दही रूरल एरियाज़ में काफ़ी होता है, तो डाइट के बारे में क्या कहना है, किस तरीके की डाइट एक कबड्डी प्लेयर की होती है? एक डाइट तो सर नॉर्मल जो अपने लिए होती है, एक नॉर्मल इंसान जो ले रहा है, पर उसके लिए प्लेयर के लिए थोड़ी अलग चाहिए, क्योंकि प्लेयर को अभी बहुत हार्ड वर्क करना है, जिसने 6-7-8 घंटे ग्राउंड पे रहना है उसके लिए उसको बिल्कुल अलग डाइट चाहिए। डाइट का तो सर बहुत रोल है, क्योंकि अभी स्पोर्ट्स में डाइट नहीं हो तो प्लेयर किसी ना किसी जगह से रह जाता है, तो डाइट तो सर बहुत ज़रूरी है। तो क्या सपना है आपका इस प्रो कबड्डी जो आ रहा है, इसके बाद कहाँ तक आप कबड्डी को अपनी ज़िंदगी में समझते हैं और किस लेवल तक हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे? सर मेरा सपना है कि मैं अभी एशियंस गेम खेलना चाहता हूँ, इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ और इंडिया को गोल्ड दिलवाना है एशियंस गेम में। इससे पहले आप कहाँ कहाँ तक किस किस प्लेटफॉर्म पर जो है कबड्डी में रिप्रेजेंट कर चुके हैं? मैंने 2 जूनियर नेशनल खेले हुए, अभी 46 जूनियर नेशनल, 47 जूनियर नेशनल, अभी और आगे खेलेंगे जब जिस तरह से आएगा। तो बिल्कुल दर्शकों, ये थे राजन सिंह मनहास, अखनूर के बॉर्डर क्षेत्र दानपुर के रहने वाले हैं, आने वाले प्रो कबड्डी में इनकी सिलेक्शन हुई है, जम्मू कश्मीर से केवल 2 ही युवा इस खेल में सिलेक्ट हुए हैं, हमारी तरफ से भी इनको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और उम्मीद करते हैं कि राजन अपने माता पिता के साथ आने वाले वर्षों में भारत का नाम जो है पूरी दुनिया में रोशन करेंगे। आप लोग जुड़े रहिए जेके टाइम्स के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त, कैमरामैन अश्विनी के साथ जय हिंद जय भारत।